What is up guys, welcome back to another episode of Drop In Pod. इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले मिथ वाली एपिसोड्स आई थिंक, और काफी सारी हमने वीडियोस बनाई थी मिथ वाली, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है मैंने प्लेलिस्ट का, चेकआउट कर लेना इस मिथ वाली वीडियो को देखने के बाद। सो यार, उससे पहले अपने अपनी मिथ नीचे कमेंट में डाल देना क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग मिथ होना चाहिए, तो हम काफी सारी वीडियोस बनाएंगे। ओके, तो मिथ नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। मिथ नंबर वन ये है कि माइनस जो अटैक में ना वो अंडरग्राउंड होती है, पर डिफेंस में अंडरग्राउंड नहीं होती है। तो चलो इसको वेरीफाई करते हैं। हम यहाँ पर इस वेलिस पर अटैक करते हैं और देखते हैं कि भाई बेसिकली सच है कि नहीं है। तो पहले हमें काम करते हैं, एक माइनर को यहाँ पर डालते हैं देखने के लिए। तो बेसिकली ये पोजीशन काफ़ी अच्छी रहेगी, दो तीन यहाँ पर देखो अटैक में तो भाई अंडरग्राउंड हो रही है, हंस वेरीफाइड ओके, पर यहाँ पर डिफेंस में हो रही कि नहीं। पहले हम अपने यहाँ पर एक माइनर को निकाल रहा है, रुक जा मैंने साइन माइनर को निकाली और फिर हम यहाँ पर एक माइनर को यहाँ पर ड्रॉप कर रहे हैं और ये माइनर जाने वाला है कि नहीं देख चाहते हैं ये देखो। तो बेसिकली ये माइनर अंडरग्राउंड नहीं हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हो ये माइनर अंडरग्राउंड नहीं हो रहा है, ये जा रहा है। रुक जाओ, पहले हम फिर से देखते हैं। यहाँ पर इस माइनर ने इसको अटैक कर दिया और फिर हम अपने माइनर को एक कॉर्नर में डालते हैं और फिर देखते हैं कि ये अंडरग्राउंड होके जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और रुक जाओ, बेसिकली ये माइनर अभी ख़त्म नहीं हुई, तो हम थोड़ी वेट करते हैं और फिर ये सारे के माइनर्स यहाँ पर आ चुके हैं और फिर हम अपने ओके, अब हम यहाँ पर अपने माइनर्स को डालते हैं। ये देखो हमने यहाँ पर सारे माइनर्स को डाली, पर ये माइनर बेसिकली यहाँ पर देखो ये अंडरग्राउंड नहीं हो रही है, हैंस दिस मिथ इज वेरीफाइड। नेक्स्ट मिथ ये है, अगर हम अपने ग्लोबी लैंटर्न पर हिल स्पेल डालें तो वो मूव करती है, लाइक लिटरली भाई ऐसा होता है क्या? मुझे पता नहीं यार, चलो ट्राई करते हैं। इस भाई ने बोला है तो भाई यार ट्राई तो आर्मी चेंज करनी पड़ेगी। ओके, हम यहाँ पर आर्मी डाल लेते हैं, कॉपी करंट आर्मी। ओके भाई रुक जा एक सेकेंड, आर्मी को मैं थोड़ा सा मूव करते हैं, हिल स्पेल हम बाकी ले लेते हैं, सेव करते हैं और फिर अटैक करते हैं। बेसिकली देखते हैं कि ग्लोबी लैंटर्न बेसिकली ही मूव करती है, तो हमारा यहाँ पर ग्लोबी लैंटर्न एक दो ये मिल चुकी है कॉर्नर पर और हम यहाँ पर हिल स्पेल डालने वाले हैं। यहाँ पर तो कुछ मूवमेंट नहीं है और हमने यहाँ पर डाली, ओ भाई बेसिकली लिटरली हाँ यार मूव करती है यार, मुझे पता नहीं था। और यहाँ पर एक और ग्लोबी लैंटर्न है हमारे पास, इसकी मूवमेंट देख लो, ओके मूव नहीं कर रही है और हम यहाँ पर हिल स्पेल डालें तो यहाँ पर ओ भाई लिटरेली यार ये सही बोले भाई यार लिटरेली, मुझे पता नहीं था यार कि ग्लोबी लैंटर्न मूव करती हिल स्पेल में, भाई यार लिटरेली ये हैंस दिस मिथ इज आल्सो कंफर्म्ड। भाई नेक्स्ट मिथ ये है कि ये जो टैग दिख रही है ना, क्लैन टैग, इस क्लैन टैग का नाम नहीं है, लिटरेली लाइक आई थिंक ब्लैंक है और फिर इसका लीडर का भी नाम नहीं है। सच में लिटरेली क्या बिना नाम का क्लैन बन सकता है? पता नहीं यार, चलो ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले क्लैन सर्च करते हैं और मैंने यहाँ पर टैग सर्च कर ली। यहाँ पर देखो टैग है JRLYJCVP, तो इस टैग को पेस्ट करते हैं और सर्च करते हैं। ओ भाई लिटरेली यार लेवल वन की क्लैन है, इसका कुछ नाम ही नहीं है भाई यार, बिना ब्लैंक का भी क्लैन बनता है क्या? पता नहीं, आई थिंक कुछ ग्लिच था। क्लैन डिस्क्रिप्शन हैज़ बिन रिमूव्ड, ओ भाई हैज़ बिन रिमूव्ड, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, इसके नाम डिलीट कर दिया गया है। और यहाँ पर लीडर देखो, लीडर का भी नाम नहीं है भाई यार, यार कैसे यार यार, एक सेकंड को विजिट करते हैं। और ड्रैगन आई थिंक इसने अपना नाम लिखा है यहाँ पर और लिटरली कुछ नहीं है यार, लिटरली भाई यार लिटरली यार इस टैग के बारे में मुझे तो पता नहीं था। एंड आई थिंक यार आई थिंक मोस्ट ऑफ यू को पता नहीं होगा इस बंदे के बारे में और इस प्लेयर टैग के बारे में, जिन बंदे के पास डिस्क्रिप्शन में कुछ है ही नहीं। लिटरली यार लिटरली हैंस दिस मिथ इज आल्सो कन्फर्म्ड। नेक्स्ट ये है, अगर हम अपने वॉल को सेलेक्ट करें, उसके बाद रो ऑफ वॉल्स को फिर सेलेक्ट कर लें, उसके बाद हम गोल्ड एंड इलिक्जर कलेक्टर में, लाइक गोल्ड एंड इलिक्जर कलेक्टर में कितने गोल्ड है वो देख सकते हैं, लिटरली मुझे नहीं लगता यार। तो यहाँ पर देखो हमारा इलिक्जर कलेक्टर है और ये गोल्ड माइन है, तो हम एक काम करते हैं यहाँ की वॉल्स को सेलेक्ट करते हैं, ओके ये वॉल, उसके बाद रो ऑफ वॉल्स को सेलेक्ट करते हैं और फिर इस बंदे ने बोला कि यहाँ पर इलिक्जर कलेक्टर और इसमें हम देख सकते हैं गोल्ड। भाई दिख रहा है तुझे? दिख रही है लिटरली यार? मुझे तो नहीं दिख रही, ये टैप करते हैं देखो, हैंस दिस मिथ इज बस्टेड। चलो नेक्स्ट मिथ ये है, अगर हम अपने फर्स्ट ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करें, उसके बाद सेकेंड ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करने के लिए जाएं, पर फर्स्ट ऑब्स्टिकल्स की लास्ट सेकेंड्स, लास्ट एक सेकेंड बची होगी, तब हम अगर सेकेंड ऑब्स्टिकल्स को मूव करें तब हमें दिखाएगी जीरो जंप्स रिमूव करने के लिए, क्या सच में भाई? तो बेसिकली हमें बिल्डर चाहिए, तो इस आईडी में तो बिल्डर है नहीं फ्री, तो कौन माइंड है बिल्डर बेस काम कब आएगी भाई? अभी तो काम आएगी। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, एक ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करते हैं इस ब्रांच को, ओके, और फिर उसके बाद हम इसको क्लियर करने वाले हैं, ओके। तो अभी वन जंप शो कर रहा है, आई थिंक इसके लास्ट सेकंड में शो करेगा, तो हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं। एंड आई थिंक 0 2 1, ओके अभी 1 1, ओ भाई लिटरली जा चुकी है, फिर से हम ट्राई करते हैं, आई थिंक मैंने मिस कर दिया, ओ तो अभी हम वेट करेंगे। एंड आई थिंक ओके यहाँ पर जब 2 सेकंड बचेगी तब हम चेक करेंगे, ओके तो हम यहाँ पर 2 1 2 3, ओके ओ भाई लिटरली यहाँ पर शो नहीं किया यार, शो नहीं किया, फिर से हम ट्राई करते हैं, इस बार हम 1 सेकंड में ट्राई करते हैं और आई थिंक शो नहीं कर रहा यार, पता नहीं इस बंदे ने क्या बोला। और यहाँ पर रुको, जब 1 सेकंड बची होगी तब हम चेक करेंगे, ओके 1 2 1,
ओ भाई लिटरली नहीं शो कर रहा यार, जीरो जेम्स शो नहीं कर रहा, आप कितना भी कर लो यहाँ पर जीरो जेम शो नहीं कर रहा है। बेसिकली कभी कभी करती होगी पर यहाँ पर नहीं शो कर रहा है। यहाँ पर देखना फिर से हम कर रहे हैं, ओके और यहाँ पर दो एक ओके यहाँ पर देखो यार वन जेम शो कर रही है, हमने ऑलमोस्ट वन सेकेंड्स में चेक किया ओके पर लिटरली नहीं हुआ। पर फिर से ट्राई करते हैं आप लोगों के लिए, आई थिंक काफ़ी लोगों को विश्वास नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो तो यहाँ पर देखो पाँच दो एक और फिर हम ये देखो वन जेम शो करिए, हेंस यस दिस मिथ इज बस्टेड। नेक्स्ट मिथ हमारा ये है कि जो बॉम्ब टावर है ना वो मिनियंस को अटैक नहीं करती है, लाइक सच में? चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। और यहाँ पर हम अटैक कर रहे हैं, हमारे पास मिनियंस है एंड आई थिंक हमें यहाँ पर अटैक करते हैं और फिर देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा बॉम्ब टावर यहाँ इस तरफ है और हम यहाँ पर मिनियंस डालने वाले वन बाई वन यहाँ पर देखो ओके। तो हम यहाँ पर सारे के सारे मिनियंस डालते हैं और देख रहे हैं, तो यहाँ पर हर एक अटैक कर रही है पर जो बॉम्ब टावर है वो अटैक नहीं कर रही। यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर डाली, यहाँ पर अटैक नहीं कर रहे क्योंकि यार बॉम्ब टावर एक ग्राउंड ट्रूप है, लाइक ग्राउंड डिफेंस है और ये एयर टारगेट्स को टारगेट नहीं करती है, हेंस दिस मिथ इज कन्फर्म्ड। नेक्स्ट मिथ हमारा कि हम बैट स्पेल को क्लोन कर सकते हैं, सच में? ये आई थिंक सो सच में। तो इसके लिए हम अपना अप्लाई करते हैं यहाँ पर गॉब्लिन मैप और हम यहाँ पर इस गॉब्लिन मैप पर अटैक करने वाले हैं अपने बैट स्पेल से। तो ये रही हमारी बैट स्पेल और ये रही क्लोन स्पेल। तो सबसे पहले हम काम करते हैं क्लोन स्पेल को यहाँ पर डालते हैं, उसके बाद इसके पीछे बैट स्पेल को डालते हैं, चलो देखते हैं। तो लिटरली यहाँ पर क्लोन बैट स्पेल को क्लोन कर सकते हैं, यहाँ पर देखो क्लोन निकल रही है और फिर क्या क्लोन स्पेल को और क्लोन कर सकते हैं? तो चलो यहाँ पर फिर से डालते हैं तो हम क्लोन स्पेल को भी क्लोन कर सकते हैं, हेंस दिस मिथ इज कन्फर्म्ड। नेक्स्ट ये है कि हम अपना इलेक्ट्रो ड्रैगन को क्लोन नहीं कर सकते, क्लोन नहीं कर सकते भाई यार, ये कौन सा नया नमूना है भाई, क्लोन नहीं कर सकते इलेक्ट्रो ड्रैगन। तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रो ड्रैगन और क्लोन स्पेल ले ली है और अटैक करने चलते हैं अपने अटैकिंग फॉर्म में। तो ये रही हमारी बेस और हम यहाँ पर डालने वाले इलेक्ट्रो ड्रैगन को और ये रही हमारी क्लोन स्पेल। तो यहाँ पर देखो भाई यार क्लोन होती है बेसिकली, हेंस दिस मिथ इज बस्टेड। नेक्स्ट मिथ ये है कि अगर आप डार्क एलिक्सर फुल कर ले तो गॉब्लिन मैप पर अटैक नहीं कर सकते, भाई यार ये कौन सा न्यू टेक्निक है यार। तो हमने यहाँ पर डार्क एलिक्सर फुल नहीं की है तो कोई बात नहीं यार, हम करने वाले इस मिथ के लिए हम अपने सेक्रीफाइस करने वाले हैं यहाँ पर रूइन ऑफ डार्क एलिक्सर को। क्या करें, सेल करें या यूज़ करें? चलो भाई मिथ के लिए आज इसको सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा डार्क एलिक्सर फिल हो चुका है और हम चल रहे हैं अपने गॉब्लिन मैप पर अटैक करने। तो चलो यार ड्रैगन्स लेयर पर, यहाँ पर देखो भाई यार कौन हमें रोक रहा है यार अटैक करने से। यहाँ पर देखो हमने अटैक भी कर ली यार, फिल हो या कुछ हो मतलब नहीं है, हेंस दिस मिथ इज बस्टेड। तो लास्ट मिथ की बात करने वाले अभी ओके। अगर हम अपने हीरोज की अल्टर को डिस्ट्रॉय कर दे तब वो अपने हमारी जो हीरोज है ना वो ट्रूप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहीं भी जा सकते हैं, मतलब किस भी हद तक जा सकते, समझ रहे हो? ये दिख रही है ये उसको अल्टर बोलते हैं, अल्टर बोलते हैं, आई थिंक प्रोनाउंसिएशन गलत है, बुरा मत मानने का। तो चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस बेस को यहाँ पर अटैक करने वाला हूँ और हमने यहाँ पर गोलेम्स ले ली है और उससे पहले हम अल्टर को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं ओके। तो यहाँ पर ओके यहाँ पर डालते हैं ओके, डिस्ट्रॉय हो चुकी है और हम कुछ डिफेंसेस को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि उसकी रेंज में ना आए हमारी ओके। और यहाँ पर हम टोटल कर दिए और फिर हम अपने यहाँ पर देख सकते हो क्वीन के सामने डालते हैं अपना गोलेम को और देखते हैं क्वीन कहाँ तक फॉलो कर रही है, क्योंकि क्वीन की और किंग की रेंज यहाँ तक होने वाली है पर इसके आगे जाते हैं कि नहीं जाते हैं? चलो यहाँ पर टेस्ट करते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर कुछ और लाइटनिंग स्पेल डालते हैं, इसे भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि ये लोग आगे तक बढ़ सके और इनको कोई रोक ना सके। तो यहाँ पर देखो हमारा जो गोलेम है और फिर हम एक और गोलेम को डालते हैं टेस्ट करने के लिए और फिर इनकी अल्टर यहाँ पर थी, इनकी रेंज यहाँ तक थी पर फिर भी ओ भाई लिटरली इनको छोड़ के पर उसे उन्होंने पूरा किया। चलो कोबाट ने फिर से हम अपनाते हैं और यहाँ पर फिर से मैंने एक और गोलेम को डाला आप लोगों के लिए। आई थिंक अगर वो किसी भी ट्रूप्स को एक बार अगर अपने नज़रों में बसा ले, बोलते ना नागिन जैसे भाई बसा लेना, तब वो उनके पीछे छोड़ते नहीं। यहाँ पर देखो अगर न्यू ट्रूप को डालूंगा तो वो छोड़ देंगे पर इनको एक बार बसा लिए तो ये लोग देखो कहाँ से कहाँ भाई किस भी हद में जाने के लिए तैयार है लिटरली, हैंस दिस मिथ इज कन्फर्म्ड। सो भाई लोग यार आज की वीडियो में इतना ही रही एंड आई थिंक आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी मिथ वाली एपिसोड्स। सो बार अपने अपने मिथ्स नीचे कमेंट में डालो और हमने डिस्क्रिप्शन में मिथ वाली पूरी प्लेलिस्ट को डाल दिया, जाके चेकआउट कर लो बाकी मिथ के एपिसोड जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो भाई लोग इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस आउट एंड क्लैश ऑन।